हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि किस तरह से हम सॉइल के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको आइसोलेट करते हैं। ओके, तो हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए हमने प्रिपेयर करा है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जो है ऑलरेडी मैं बता चुकी किस तरह से प्रिपेयर होता है, कितना क्या डालना होता है उसमें, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक बेस तैयार कर लीजिए कि किस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो होने वाला है। सबसे पहले आपको सॉइल सैंपल चाहिए होगा, तो आप बाहर से सॉइल सैंपल लेकर के आ सकते हैं। कुछ आपको पैटी प्लेट चाहिए होंगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया चाहिए होगा, अगर आप फंजाई को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आप पीडीए मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने वाले हैं सॉइल से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाइल्यूशन बनाना होता है। डाइल्यूशन के लिए कुछ ट्यूब्स चाहिए होती हैं, सॉइल सैंपल चाहिए होता है, पाइपेस चाहिए होती हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉइल सैंपल लेकर के आएंगे, उसके बाद आप डाइल्यूशंस बनाएंगे। देन आप जो भी मेथड यूज़ करने वाले हैं, पोर प्लेटिंग, स्पेयर प्लेटिंग, उस मेथड के हिसाब से आप अपनी प्लेट जो है वो तैयार करेंगे। और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, रिजल्ट देख के उनकी जो कॉलोनीज है उन्हें काउंट करते हैं और अपना रिजल्ट अपनी जो फाइल है उसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेनिंग के थ्रू ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर पाए गए थे। कौन से ग्राम पॉजिटिव हैं, कौन से ग्राम नेगेटिव हैं, या कितने जो कॉलोनीज हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, कितने ग्राम नेगेटिव हैं। ठीक है, सो चलिए अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट को, किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम सॉइल से आइसोलेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सॉइल सैंपल, ओके, मीडिया, टेस्ट ट्यूब्स डाइल्यूशन बनाने के लिए, ओके, टेस्ट ट्यूब स्टैंड जिसमें आप टेस्ट ट्यूब रखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर, कुछ पैट्री प्लेट्स, कुछ ईयरिंग और कुछ हमारी वहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, और आपको पाइपेट चाहिए होंगी 0.1 ml और 1 ml दोनों के लिए। सो सबसे पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है आइसोलेशन के लिए। ठीक है, या तो हम पोर प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर हम स्प्रेड प्लेटिंग कर सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं आज स्प्रेड प्लेटिंग से, कि स्प्रेड प्लेटिंग के थ्रू हम किस तरह से आइसोलेशन करते हैं सॉइल से माइक्रोब्स का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्लेट्स तैयार कर देती हूँ जिससे हम डायरेक्टली फिर उन पर स्प्रेड कर सकें। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बर्नर ऑन करना होगा। ओके, और यहां से जो ये मीडिया है इसको आपको पोर करना होगा। ओके, सबसे पहले इसका जो माउथ है वो स्टेराइल कर लें अच्छे से, और उसके बाद आप जो प्लेट्स हैं उन पे पोर करके रख दें। ठीक है, इसी तरह से आपको तीनों प्लेट जो हैं वो बना के रख लेनी है, या जितनी भी प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हैं मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैं 5 प्लेट्स बनाऊँगी। ओके, इसी तरह से हम सभी प्लेट्स जो हैं वो बना करके रख देंगे। माउथ जो है वो बार बार आपको स्टेराइज ज़रूर करना है, इस तरह से हम करते हैं। ये तीनों प्लेट जो है मैंने मीडिया पोर करके और माउथ जो है स्टेराइल करके, अब मैं इस मीडिया को एक साइड रख दूँगी और उन प्लेट्स को भी एक साइड रख दूँगी। ठीक है, जितना आप अपने लैमिनार एयर फ्लो को क्लीन रखेंगे, यानी कि सरफेस को जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। अब ये जो प्लेट्स हैं वो मैं पीछे की तरफ सरका दूँगी। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करने होंगे, मैंने अभी डाइल्यूशन के लिए 6 ट्यूब्स ली हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो पहली ट्यूब है उसके अंदर, यानी कि हर एक ट्यूब्स के अंदर 10 ml जो है वो वाटर फिल करके रखना होगा। ओके, तो उसमें हम अब वाटर फिल कर लेते हैं। ये देखिए, मेजरिंग सिलेंडर में आप 10 ml वाटर फिल करके रखिए
और फिर उसको इसी तरह से आप हर एक ट्यूब के अंदर डालते जाएंगे। ओके, इसी तरह से मैंने सभी ट्यूब्स के अंदर जो है ऑलरेडी इनमें फिल कर रखा है। अब इसके बाद मैं आपको स्टॉक सॉल्यूशन बना के दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो है स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो ये पहली ट्यूब होती है वही हमारा स्टॉक सॉल्यूशन होता है। ओके, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 ग्राम सॉइल चाहिए होती है। जो हमारा सॉइल सैंपल है 1 ग्राम सॉइल सैंपल मैंने ले रखा है ऑलरेडी। ओके, अब मैं क्या करूँगी, जो ये हमारी पहली ट्यूब है इसके अंदर इसको डाल के मिक्स कर दूँगी। ओके, इस तरह से मैं क्या कर दूँगी, इसको प्रॉपरली मिक्स कर दूँगी। और फिर या तो आपके पास वोर्टेक्स है या फिर आप अपने हैंड के बीच में ऐसे रख करके इन्हें जो है प्रॉपरली मिक्स कर सकते हैं, जिससे जो सॉइल है और जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या हो जाएं, प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। ये देखिए, जैसे हम वोर्टेक्स में करते हैं, अगर आपके पास वोर्टेक्स है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से उसको मिक्स करते हुए पूरी जो सॉइल है उसको प्रॉपरली मिक्स करके एक स्टॉक सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये हमारा जो है स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस स्टॉक सॉल्यूशन से हर एक ट्यूब के अंदर, यानी कि इस वाले स्टॉक सॉल्यूशन से क्या करना है, हर एक ट्यूब के अंदर आपको 1 ml जो है ट्रांसफ़र करना है। डाइल्यूशन बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जो ट्यूब है उन पे मार्क कर लेना है। ओके, पहले ही आपको मार्क कर लेना है। तो जो पहली ट्यूब होती है, यानी कि जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है उस पे आप 1 नंबर डालेंगे, ठीक है। उसकी जो नेक्स्ट वाली ट्यूब है उस पे 2, 3, 4, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हर एक ट्यूब के अंदर मार्किंग करके रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ पाइपेट की हेल्प से अब हम इन्हें ट्रांसफ़र करने वाले हैं। 1 ml मैं जो लूँगी फर्स्ट वाले स्टॉक सॉल्यूशन का, 1 ml जो है वो इस तरह से लेना है मुझे प्रॉपरली मिक्स करते हुए। ओके, इस तरह से आपको मिक्स करना है। फिर आपको 1 ml लेना है और नेक्स्ट ट्यूब जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है इसी में ही, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देख रहे होंगे आप। ओके, फिर ऐसे ही इसमें से 1 ml लेना है और नेक्स्ट ट्यूब के अंदर उसको मिला करके मिक्स कर देना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी डाइल्यूशंस को बना करके तैयार कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं डाइल्यूशंस बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्प्रेड प्लेट मेथड से यूज़ करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। सो अभी मैंने सेम मेथड से जो है वो सभी डाइल्यूशन जो है बना करके तैयार कर रहे होंगे, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, सभी जो डाइल्यूशन है वो बन करके तैयार हो गए हैं हमारे। अब मुझे ये जो डाइल्यूशन है वो मैं जो मेथड यूज़ करने वाली हूँ वो है स्प्रेड प्लेट मेथड। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका कुछ भी जो सरफेस है अगर उस पर थोड़ा बहुत सामान अगर गिर भी गया है, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो आप उसको क्लीन ज़रूर करके रखें, क्योंकि अगर क्लीन ना किया गया तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सरफेस हमेशा जो होनी चाहिए वो आपकी क्लीन होनी चाहिए। अब जो मैंने प्लेट्स तैयार की थी स्प्रेड प्लेटिंग के लिए, अब मैं वो देख लेती हूँ कि वो जो बेस है हमारा सॉलिड बेस है वो तैयार हो चुका है नहीं हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है, ये जो हो गई है वो ड्राई हो गई है, यानी कि सॉलिड बेस जो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो ये जो पहली प्लेट है इस पर हम मार्क कर लेते हैं कि ये फर्स्ट प्लेट है, इस पर मैं स्टॉक सॉल्यूशन डालने वाली हूँ। फिर इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 प्लेट में लगाने वाली हूँ, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सभी पे मैं क्या कर लूँगी, मार्किंग कर लूँगी, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इन सभी प्लेट्स पे आपको क्या कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है, उसके साथ साथ यहाँ पे डेट भी लिख देनी है कि आप किस डेट में जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो आज अगर है 2nd Feb, ठीक है, तो आपको क्या लिखनी है, डेट लिख देनी है। इस तरह से आप डेट जो है मार्क ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि आपने कब किया है। डेट मार्क करनी है, आपको प्लेट का नंबर मार्क करना है, यानी कि कौन सा डाइल्यूशन आप उसके अंदर डालने वाले हैं। सो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम डाइल्यूशन
के थ्रू, यानी कि जो आपका सोयल सैंपल जो आपने लिया है उसके थ्रू हम आइसोलेशन करते हैं। तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, स्प्रेडर चाहिए होगा, प्लेट चाहिए होगी, ठीक है, पाइपेट चाहिए और कुछ टिप्स चाहिए। बेसिकली स्पेल पेटिंग मेथड के लिए आपको जो पाइपेट चाहिए होती है वो चाहिए होती है 0.1 ml की। ओके, अब मुझे क्या करना है, 0.1 ml लेना है इसमें से, यानी कि जो आपका डाइल्यूशन है। अब मान लो फर्स्ट प्लेट है तो मैं क्या करूँगी, 0.1 ml लूँगी किस में से, आपकी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब से। इसको प्रॉपरली मिक्स करके आपको लेना है। ओके, 0.1 ml में लेने वाली हूँ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप स्प्रेड कर देंगे और इसको फिर जो डिस्कार्डिंग बॉक्स है उसके अंदर इजेक्ट कर देंगे। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर, अब स्प्रेडर जो है वो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसको स्टेराइल करना है प्रॉपरली इस तरह से। ओके, फिर इसको हल्का सा ठंडा करना है और फिर ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपको दिख रही होगी, इस प्लेट में हल्के से अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें बहुत ही धीरे धीरे जो है वो स्प्रेड करना है अच्छे से। और फिर ये जो प्लेट है उसको बंद करके रख देना एक साइड में और इसका जो माउथ है फिर से क्लीन कर लेना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब सेकंड और थर्ड प्लेट भी अपनी बनाने वाले हैं। टोटल में जो प्लेट्स हैं वो 5 प्लेट बनाने वाली हूँ। आपके पास जितनी डाइल्यूशन है उतनी प्लेट जो है बनती हैं इसके लिए। ओके, अगर आपने 6 प्लेट ली है तो हम 6 प्लेट बनाएंगे, 7 ली हैं तो 7 बनाएंगे। अब हमें सेम क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना है। अब हम इसमें से टिप निकालेंगे। ओके, और अब हम लेंगे सेकंड, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसमें से 0.1 ml लेना है और इसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर, स्प्रेडर को अब आप क्या करोगे, इसका माउथ जो है स्टेराइल करोगे और फिर से बहुत हल्के हाथों से आपको पूरे में स्प्रेड कर देना है। ठीक है, अब यही सेम प्रोसीजर जो होगा वो हम सभी जो प्लेट्स हैं हमारे जितने बनाने वाले हैं उन सभी के लिए फॉलो करने वाले हैं। अब जो सभी प्लेट्स हैं वो हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, अब हमें इसे इंक्यूबेटर में रखना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो चलिए अब मिलते हैं इंक्यूबेटर रूम में। अब हम इंक्यूबेटर में आ गए हैं। ठीक है, यानी कि इंक्यूबेटर रूम में आ गए हैं। अब हमें जो प्लेट्स हैं वो अपने यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस तरह से। हम इन्वर्टेड पोजिशन में सभी प्लेट्स को रख देंगे। ओके, अब हमारे सभी प्लेट जो है वो यहाँ पे रख दी है मैंने। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज देखेंगे कि कितना है। बिल्कुल सही टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे हमें इन्हें 24 to 48 आवर्स अपनी जो प्लेट है उनको चेक करना है कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरह की आई है।